तो यार यहाँ पर जो इन्फिनिक्स के अंदर हमें मीडियाटेक हीलियो G99 दिया गया ना भाई, तगड़ा चिपसेट है, लेकिन यार गेमिंग में ना आपको वो मजा नहीं आ पाएगा क्योंकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है भाई, क्या ही गेमिंग कर पाओगे आप को पैसा बर्बाद। दोस्तों इन्फिनिक्स ने इंडिया के अंदर अपने इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 4G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया, जिसे हम कंपेयर करेंगे ओप्पो K10 4G स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। अगर यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होता भाई बढ़िया रहता। और वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के अंदर हमें 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से भाई इन्फिनिक्स की एकदम बढ़िया है। और वहीं अगर हम बात करें एस्पेक्ट रेशियो की तो दोनों स्मार्टफोन का 20:9। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि XOS 10.6 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो का फोन एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है जो कि कलर ओएस 11.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर इन्फिनिक्स का फोन बढ़िया है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 मिल रहा है भाई, अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमें यूआई में से किसी एक को चूज करना हो ना तो यार जो ओप्पो के अंदर हमें कलर ओएस दिया गया ना भाई बढ़िया है क्योंकि XOS 10.6 में यार कुछ ऐसे ब्लोटवेयर भी है जिन्हें आप डिलीट ही नहीं कर सकते। और वहीं अगर हम बात करें चिपसेट की तो यहां पर इन्फिनिक्स फोन के अंदर हमें मीडियाटेक हीलियो G99 4G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 684G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं। लेकिन यार अगर हमें किसी एक को चूज करना हो ना तो यार यहाँ पर जो इन्फिनिक्स के अंदर हमें मीडियाटेक हीलियो G99 दिया गया ना भाई, तगड़ा चिपसेट है, लेकिन यार गेमिंग में ना आपको वो मजा नहीं आ पाएगा क्योंकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है भाई, क्या ही गेमिंग कर पाओगे आप। और वहीं अगर हम बात करें एंटूटू स्कोर की तो यहाँ पर इन्फिनिक्स फोन का आता है 3,75,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन का आता है 2,70,000 के करीब। यानी कि दोस्तों एंटूटू स्कोर के मामले में यहाँ पर इन्फिनिक्स का फोन ही विनर है। और आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिक्स की, तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और एक तीसरा कैमरा दिया गया AI लेंस। वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, बोके कैमरा है 2 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों हम मान के चलिए कि दोनों के बैक में हमें एक ही मेन कैमरा दिया गया 108 का और 50 का, क्योंकि बाकी तो भाई यूजलेस ही है, मैक्रो डेप्थ AI कोई फायदा नहीं है यार इनका, फुल टू फुल मतलब पैसा बचाया जा रहा है यहाँ पे। और वहीं अगर बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहाँ पर इन्फिनिक्स के बैक कैमरा से मैक्सिमम 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहां पर बात करें फ्रंट कैमरा की तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि भाई सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो यहां पर इन्फिनिक्स के फ्रंट कैमरा से हम मैक्सिमम 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो के फ्रंट कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी की, तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। यानी कि बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों ही मामलों में यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क कनेक्टिविटी की तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 4G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों 3.5mm जैक भी हमें दोनों स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्पीकर की तो भाई म्यूजिक लिसनिंग के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में हमें स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स फोन के 8 प्लस 256 GB वेरिएंट की कीमत है 17,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के 8 प्लस 128
28GB वेरिएंट की कीमत है 17,000 पे। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, इन्फिनिक्स को या ओप्पो को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलेगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अपने अपने प्राइस पॉइंट पर यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यार अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन लेना है ना, तब आप यहाँ पर भाई इन्फिनिक्स की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा भाई, कुछ ब्लॉटवेयर इसमें ऐसे जरूर से हैं जो कि अनइंस्टॉल ही नहीं हो सकते, तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो बस यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।